इस बार साल का पहला यानी आपको बता दे तोक तूफान का मंडराया देश पर खतरा। देश में जारी कोरोना संक्रमण के दूसरी लहर के बीच 2021 का पहला चक्रवाती तूफान का मंडरा रहा है। जी हाँ, ताऊ ते का नामक यह तूफान के पश्चिमी तट से टकरा रहा है और आसपास के राज्यों में मौसम को भी प्रभावित कर रहा है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 14 मई की सुबह दक्षिण में पूर्वी अरब सागर के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण यहाँ पर 16 मई करीब एक चक्रवाती तूफान के रूप में तेज हो सकता है। इस तूफान के 19 व 20 मई के गुजरात व सौराष्ट्र कच्छ तट पहुंचने की भी मौसम विभाग ने संभावना बताई है। आपको बता दें भारतीय मौसम विभाग ने 15 व 16 मई को लक्षद्वीप द्वीप समूह में निचले इलाकों में अलर्ट जारी करने का काम किया। वहीं विभाग की माने तो दक्षिण में पूर्वी अरब सागर के सीमावर्ती लक्षद्वीप मालदीव व क्षेत्र में हिंद महासागर समुद्री तट की यहाँ पर बहुत जल्दी बदल जाएगी। कम दबाव का क्षेत्र 16 मई के आसपास पूर्वी मध्य अरब सागर के ओर बढ़ेगा। हालांकि कुछ यहाँ पर गुजरात और दक्षिण निकट में भी यहाँ पर आपके होने की संभावना जताई है। स्काईमेट वेदर के अनुसार मई के महीने में तूफान की आकांक्षा ज़्यादा होती है। यही कहना मुश्किल नहीं है कि आने वाला तूफान केरल कर्नाटक महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में भी कितना प्रभावित करेगा, लेकिन 14 और 15 मई को केरल और कर्नाटक के बारिश और शुरू हो जाएगी, जो ज़्यादा हवा बहुत तेज हो जाएगी। यही चर्चा के बाद आपको बता दें 16 मई को कम से दबाव का विकसित होने के कारण एक चक्रवात का नाम तोकत रखा गया। तेज हवा आत्म करने वाली तोकत ने म्यांमार की ओर भी ध्यान दे दिया है। फिलहाल